नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑटोकैड में 3D ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से एक ड्राइंग बना के रखी है। ओके, हम फिर से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग हम पहले से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको बताने वाला हूँ आज मैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी न्यू लेता हूँ, न्यू विंडो ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं स्क्रीन सेट कर लेता हूँ पहले। ये देखिए मैं मान लो कि 300 व्यू जूम एंड एक्सटेंड। ओके, ये फिट हो गई। इसको मैं अभी इरेज करूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए साइड व्यू से मुझे प्रॉपर शेप कुछ दिख रहा है, वो मैं पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके, तो बड़ा सर्कल कितने का है, डायमीटर 60। अगेन सर्कल चाहिए मुझे, डायमीटर 30। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका सेंटर से ऊपर कितना है, 36। तो मैं पहले ये क्वाड्रेंट पॉइंट से 36, फिर उसको ऑफसेट कितनी थिकनेस है, 20। ये 20 हो गया। इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। ओके, और यहाँ से ये, और ये देखिए यहाँ से ये रिब यहाँ तक है टेंजेंट, यहाँ पर मैं टेंजेंट लूँगा। ओके, इसको मैं तीन जगह पर कॉपी करूँगा। ओके, फर्स्ट ये हो गया, ये हो गया, और तो मोड ऑन कर लीजिए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, राइट क्लिक एंटर। ओके, तो अभी हम तीन पार्ट निकालेंगे यहाँ से। एक है जो रिब कैसे निकालेंगे, मैं ट्रिम करता हूँ। ये देखिए जो मुझे नहीं चाहिए मैं सिलेक्ट करके उसको हटा देता हूँ। और अभी मुझे क्या चाहिए, ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको ट्रिम करूँगा, उसको इरेज करूँगा। ओके, तो अभी ये सर्कल मुझे चाहिए यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अभी ये देखिए ये सब सेपरेट सेपरेट है, इसको मैं रीजन करूँगा ताकि ये कंटिन्यूस हो सके। ये देखिए अभी कंटिन्यूस हो गया, इसको भी मैं रीजन करता हूँ। आप रीजन भी कर सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, सर्कल को रीजन की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही कंटिन्यूस है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आइसोमेट्रिक करता हूँ। तो आपका गलती से कोई भी आपने व्यू नहीं सिलेक्ट किया हो तो ऐसा कीजिए, ये देखिए पूरा सिलेक्ट कीजिए, उसको कंट्रोल एक्स कीजिए, फिर सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, और ये देखिए मुझे साइड व्यू चाहिए तो मैं साइड व्यू को जाता हूँ, फिर उसको अगेन कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर लो। ओके, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से व्यू जूम एंड एक्सटेंड। ओके, ये साइट व्यू में आ गया। ओके, तो इसको मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ, अभी इसको आइसोमेट्रिक करता हूँ एक्सट्रूड। ये देखिए रिप कितनी थिकनेस है उसकी, 12। ये 12 थिकनेस कर दिए, और ये देखिए कितनी है, 80 - 20 मतलब 60। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 60, और ये दोनों सर्कल 80 का एक्सट्रूड करने वाला हूँ दोनों को। ओके, हमारा ये तो पोर्शन हो गया, अभी पोर्शन बाकी है ये वाला और ऊपर वाला। इसके लिए मैं टॉप व्यू सिलेक्ट करूँगा। ओके, ये ऊपर का निकलना है तो। ओके, टोटल कितना है, 40 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर उस ये जो निकालने वाला हूँ उसको ये कॉर्नर पर रखने वाला हूँ। ओके, फिर
टोटल उसका डायमीटर कितना है 60, तो टोटल हो गया 60। ओके तो उसको अगेन 40, फिर इसको 60 पर क्लोज कर दिया। फिर सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पर मिड से ये सर्कल, फिर यहाँ पर मैंने ट्रिम कर लिया और इसको इरेज। ओके अभी ये भी सेपरेट सेपरेट है तो इसको मैं रीजन करूँगा, ये कंटिन्यूस हो गया। तो अभी आइसोमेट्रिक करूँगा, इसकी थिकनेस कितनी है 20, तो मैं एक्सट्रूड करूँगा 20 का। ओके तो अभी मुझे ये निकालना है ऊपर का, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी रिवॉल्व का यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं पहले फ्रंट व्यू में जाता हूँ, ये देखिए मैं अभी क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ उसका, ये हो गया। उसकी हाइट कितनी है 40, तो ये 40, और ये देखिए इसका डायमीटर कितना है 60, तो उसका हाफ कितना हुआ 30। ओके फिर ऊपर का मैक्सिमम डायमीटर कितना है 40, तो मैं उसका हाफ ले लिया 20, फिर उसको यहाँ पर क्लोज कर लिया। ओके तो इसको मैं रीजन करूँगा। ओके तो इसको मैं रिवॉल्व करूँगा, ये उसका एक्सिस और डिग्री 360, और मैं आइसोमेट्रिक करता हूँ, ये देखिए ये हो गया। ओके तो अभी मुझे ये बीच में का होल है तो वो मुझे होल निकालना है, तो मैं एक साइड को एक सिलेंडर भी ले सकते हो आप, टॉप में जाइए और उसको सर्कल भी लीजिए, कितना डायमीटर है 20। और अभी देखिए पूरा थिकनेस कितना देना है उसको, ये 40 प्लस ये 20 मतलब 60, तो इसको मैंने यहाँ से 60 एक्सट्रूड कर लिया। ओके तो अभी ये सब डिसअसेंबल है, अभी मुझे असेंबली करना है। ओके तो यहाँ देखिए अभी मैं विजुअली देखता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, ये देखिए यहाँ पर होल नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं पहले उसको क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ जो हमें चाहिए वो पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक, जो सेलेक्ट स्मॉल है वो सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए वो यहाँ पर होल जनरेट हो गया। तो अभी एक एक करके हम प्लेस करेंगे यहाँ पर। अभी मैं 2D में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका सर्कल, ये देखिए यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्ट पहले से ही कर लिया था, इसके लिए ये सर्कल का सेंटर आ गया यहाँ पे, यहाँ पर। ओके तो इसको मैं मूव करूँगा कितना 10। ओके डायरेक्शन पूरी दीजिए आप 10, ये देखिए यहाँ पर ये फिट हो गया। ओके तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी इसको फिलहाल मूव कर लेता हूँ मैं। तो अभी मुझे यहाँ पर एक ये रिब बिठानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा, इसका मेड और इसका मेड यहाँ पर रख दूँगा, तो इसका भी वैसा ही, इसको मैं मूव करने वाला हूँ, इसका ये कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर है। ओके तो ये मटेरियल मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, इसलिए ये 40 भी लिया है, इसके लिए मैं ये कॉर्नर पर इसको रखने वाला हूँ, मतलब आपने यहाँ पर रख दिया तो प्लस हो जाएगा वो 20। ओके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके तो उसको फिर से इसको भी मैं वैसे ही करता हूँ, उसका सेंटर और इसका ऊपर का सेंटर। ओके एक हो गया, अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये देखिए ऐसा ही हो चुका है, अभी खाली पॉकेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको और उसको, ये दोनों दोनों भी है ये अलग अलग है, मैं इसको एक कर लूँगा, मतलब यूनियन कर लूँगा, फिर मेरा होल जनरेट हो जाएगा। ओके फिर से मैं मूव करता हूँ उसको, ये देखिए यहाँ पर मूव कर लिया मैंने। ओके तो इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, ये देखिए ये कंटिन्यूस हो गया अभी, और ये। ओके तो मैं अभी क्या करूँगा, उसको आइसोमेट्रिक है और विजुअल करूँगा, देखिए ये कंप्लीट हो गया, और पहले उसको यूनियन करता हूँ ताकि ये इंटरसेक्ट हो गया है वो एक हो जाएगा। एक ध्यान में रखिए, क्योंकि ड्राइंग पूरा होने के बाद ही यूनियन करें,
ताकि ये अच्छे से दिख सके। वो आप शिफ्ट प्रेस करके, मिडल माउस प्रेस करके उसको घुमाएंगे तो रोटेट भी हो जाएगा ये। ओके तो ये देखिए नीचे नीचे भी होल जनरेट हो गया है। ओके तो आप ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हैं, और ऑर्बिट है, ऑर्बिट का भी यूज़ करके आप रोटेट करके देख सकते हैं। ओके तो फाइनली आइसोमेट्रिक कीजिए, देखिए पूरा इसका जैसा ही दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो ऐसे ही आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।